All right, class 10. Now we move on to the lecture 2 of agriculture. In this chapter, in this lecture, we will talk about the major crops, major food crops of India. First of all, we have rice. Rice is the most important staple food crop of India as well as in the world. Okay, so rice jo hai, chawal jo hai, kafi jyada ya sabse jyada khaya jata hai duniya mein aur India mein bhi. Okay. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना. भारत जो है वो सेकंड नंबर पे है राइस प्रोडक्शन में, पहले नंबर पर चाइना है. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबाउ 100 सेंटीमीटर. सो ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या है राइस ग्रो करने के लिए, कि आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा होना चाहिए और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर या उससे अबाउ होना चाहिए. तो राइस इज ग्रोन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोस्टल एरिया एंड डेल्टिक रीजन. और जो चावल है उसकी खेती भारत में की जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्ट में और हमारे कोस्टल एरियाज में और डेल्टिक रीजन में भी. तो जो भी एरिया हमारा फ्लडेड है, जहाँ भी हमारी ह्यूमिडिटी हाई है, जैसे साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पर बाढ़ ज्यादा आती है, वहाँ पर राइस इज द मेन फूड क्रॉप और राइस वहाँ पे उगाया जाता है. यही रीजन है कि वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल होता है. लेकिन चावल के बारे में दो बातें नेगेटिव आती हैं. क्या, एक तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया जो राइस के साथ क्रिएट होता है उसकी वजह से मिथेन होता है, तो पैथोजेनस होता है ये. एंड सेकंड, इट कंज्यूम मच वाटर देन एनी अदर क्रॉप्स. 3000 से 5000 लीटर एक किलो चावल उगाने के लिए पानी का यूज होता है. वीट, दिस इज द सेकंड इम्पोर्टेंट सीरियल फूड क्रॉप. अब नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे गेहूं फूड क्रॉप है लोगों का. इट नीड्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. टेम्परेचर रहना चाहिए 15 to 27 डिग्री सेल्सियस. गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सोयल रीजन ऑफ डेक्कन आर द टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन इंडिया. तो हमारा गंगा सतलुज के मैदान, पाकिस्तान का सिंध का इलाका, भारत का पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी का इलाका, डेल्टा का इलाका जो दक्षिण में पड़ता है डेक्कन, वहाँ का ये गेहूं के दो मेन रीजन है. आपको पता है इधर जो है हमारा इतना ज्यादा मौसम ह्यूमिड नहीं होता, ना ही टेम्परेचर इतना हाई रहता है, यहाँ पे सर्दियां भी पड़ती है और सर्दियों की ही फसल है ये. पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर द इम्पोर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग रीजन. पंजाब हरियाणा यहाँ पर काफी हैविली वीट ग्रो किया जाता है, वैसे उत्तर प्रदेश नंबर वन है वीट प्रोडक्शन में. इसके अलावा ये बाकी स्टेट है जहां पे गेहूं की खेती की जाती है. नेक्स्ट वी हैव द मिलेट्स, दीज आर द सुपर फूड कहा जाता है इनको. इंसान इसको 7000 सालों से भी ज्यादा पुराने टाइम से खाता आ रहा है. और जब गेहूं या चावल नहीं था तब मिलेट्स वर द ओनली रिसोर्स वी हैव. जो मिलेट है इन्हें कहा जाता है मोटा अनाज. तो ये जो मोटा अनाज है ये गेहूं चावल से पहले इंसान के साथ रहा है, क्योंकि इसमें पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है और ये जो है कोर्स ग्रेन के उससे भी जाना जाता है. सो विच आर मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मिलेट. ज्वार बाजरा नॉर्थ इंडिया में और रागी साउथ इंडिया में उगाया जाता है. दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन, इनको मोटा अनाज कहा जाता है. हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और इनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है गेहूँ चावल के मुकाबले, इनकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है. बात करते हैं ज्वार की. ज्वार इज द फूड क्रॉप ऑफ महाराष्ट्र. इट ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया. महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार. बाजरा राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. रागी कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. आज के टाइम में अगर आपको बताऊं मैं तो ये जो कोर्स ग्रेन है मिलेट्स जो है ये आजकल रिचेस्ट पीपल की फूड डाइट्स में शामिल है. कभी जो गरीबों का भोजन कहा जाता था ये मिलेट्स, आज अमीरों का भोजन बन चुका है बिकॉज ऑफ द राइस कंजप्शन. आप पाओगे साउथ में चावल की वजह से डायबिटिक मरीज बहुत मिलेंगे और वही हाल गेहूं के साथ भी है. ग्लूटेन जो होता है गेहूं में वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, कैंसर डायबिटीज ये सारी तो इस ग्लूटेन की वजह से होती हैं. तो जितने भी रिचेस्ट हैं, सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो मिलेट्स को कंज्यूम करने लगे हैं बिकॉज दिस इज द बेस्ट. डायबिटीज पेशेंट के लिए मिलेट्स आर द बेस्ट, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट के लिए. तो ये
बेस्ट अनाज माना जाता है। नाउ वी कम टू द मेज, मक्के की बात करते हैं। मेज यूज एज फूड एंड फोल्डर, तो इसको खाने के लिए और साथ साथ जानवरों की चराने के लिए भी यूज किया जाता है। ग्रोज वेल इन ऑल एलुवियल सोइल, रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आर द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो मक्के की बात करें तो ये ओल्ड एलुवियल सोइल में उगता है। टेम्परेचर चाहिए इसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और ये स्टेट्स इसके प्रोड्यूसर्स हैं। पल्सेस, नाउ वी टॉक टू द पल्सेस। दालें भारत में सबसे ज्यादा पैदा की जाती हैं और खाई जाती हैं। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यूरोपियन लोग दालों से दूर रहते हैं, वो दाल नहीं खा सकते, हजम नहीं कर सकते वो दाल, क्योंकि ये भी एक इनके अंदर भी ग्लूटेन होता है। तो विदेशों में आपको पता होगा उनका जो प्रोटीन सोर्स है वो मीट वगैरह से पूरा होता है, बट इन इंडिया पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द पुअर पीपल ऑफ इंडिया सिंस द एंशिएंट टाइम। पुराने समय से ही चावल दालें हमारे प्रोटीन का सोर्स रही हैं, दैट इज व्हाई इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ओके, सो दे आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो दालों को फसलों के बीच में उगाया जाता है ताकि जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलिटी है अर्थ सोयल की वो बनी रहे। यूपी, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक दे आर द मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट। नाउ वी कम टू द शुगर केन। शुगर केन नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रिक्वायर टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर। शुगर केन जो है वो गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाया जाता है। ये इसका टेम्परेचर है 21 टू 27 और 75 टू 100 सेंटीमीटर। बारिश इसको चाहिए। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। भारत दूसरे नंबर पर है ब्राजील के बाद। उत्तर प्रदेश यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का। तो इस क्रॉप पे भी आपने देखा 1500 टू 3000 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है पर किलो में और 10 किलो शुगर केन से 1 किलो चीनी बनती है। तो आप देख सकते हो आपकी घर में आने वाली 1 किलो चीनी 30,000 लीटर पानी से निकल कर आती है। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑयल सीड्स। तेलों के बारे में बात करें तो भारत में जो है ग्राउंडनट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। भारत में उगाए जाने वाले ऑयल सीड कौन कौन से हैं? मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमी, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन, लिनसीड एंड सनफ्लावर। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राउंडनट। इट इज द मोर देन हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन कंट्री। आंध्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट इज द खरीफ क्रॉप। लिनसीड, मस्टर्ड आर रबी क्रॉप। सेसमी इज खरीफ क्रॉप एंड कैस्टर इज ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ। तो ग्राउंडनट पे क्वेश्चन पुट अप हुआ था 5 मार्क्स का। तो ग्राउंडनट के बारे में आपको फाइंड आउट करना है टेम्परेचर क्या है इसका, इसके रेनफॉल रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है इन इंडिया वो क्यों है। तो आपने देख लिया क्यों है, बिकॉज ये आधे से ज़्यादा हमारा ऑयल प्रोडक्शन जो होता है ग्राउंडनट के थ्रू होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द टू इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, टी एंड कॉफी। टी प्लांट्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। It is a labor intensive industry. Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala are the major tea producing state. India is the leading producer of tea in the world. जो चाय है हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज और सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगाई जाती है, यानी जो एरिया ट्रॉपिक इक्वेटर के पास का एरिया है, तो केरला है, आसाम है, यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट है और यहाँ पर चाय के लिए काफ़ी बेटर ज्योग्राफिकल कंडीशन है। सेकेंड, लेबर इंटेंसिव है, लेबर काफ़ी हैवी चाहिए यहाँ पर। चाय के बगानों में आपने देखा होगा कि मजदूरों को हाथ से सारा काम करना होता है, यहाँ पे आप मशीनें नहीं चला सकते हर जगह। आसाम हमारे यहाँ पर लीडिंग टी प्रोड्यूसर है और भारत जो है दुनिया में चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। भारत से जाने वाली चाय लाखों रुपये किलो तक बिकती है। तो इंडिया की चाय दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉफ़ी। कॉफ़ी की स्टोरी स्टार्ट होती है बाबा बुदन से, जो अपने साथ इसके बीज लेकर आए थे यमन से, उनको उगाया था कर्नाटक के बाबा बुदन हिल्स, उस हिल्स पे, और उस हिल्स को आज नाम दिया गया बाबा बुदन। तो कॉफी इज ऑल्सो ग्रोन इन प्लांटेशन। अरेबिका इज द वैरायटी विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स इन कर्नाटक। एंड अदर
crops, if we talk about, we have the fruits and vegetables. So India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. India produces about 13% of world's vegetables. भारत जो है वो fruits vegetable का सबसे बड़ा producer है दुनिया में. 13% यहाँ से जाता है दुनिया भर का. और यहाँ पर क्या है इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर किस किस का? पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. इसके अलावा भारत से जाने वाला मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंज नागपुर चेरापूंजी से, बनानास केरला मिजोरम महाराष्ट्र से, लीची गोवा यूपी बिहार से, पाइनएप्पल मेघालय, ग्रेप्स आंध्र महाराष्ट्र से, एप्पल पियर एप्रिकोट वॉलनट जम्मू और हिमाचल से. ये काफी ग्रेट डिमांड में रहते हैं. तो आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो बेस्ट वैरायटी है सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उससे फिर हमारे किसानों को, हमारी सरकार को अच्छी खासी इनकम होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड क्रॉप्स. इन द नेक्स्ट स्लाइड, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द नॉन फूड क्रॉप्स. ओके, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.